ये छपरी गोवा जाके आ चुका है और इधर पर्स भी घुमा दिया है। बोलो भाई अभी तो 2 किलोमीटर काटे और पानी भी ले। दर्दनाक घटना हुई अभी बाइक के साथ। बीते सारा तेरी फिक्र में। वैसे तुम्हें क्या लगता है दया, कुछ तो गड़बड़ होगी ना? ये 5 रुपए वाला वेफर यहाँ पर मिलता है 6 रुपए में। जय माता दी, जय माता दी। गाइस अभी सिर्फ 7 किलोमीटर रह गया है। ओके ओके ओके, सो मेरी जान, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग, आए हो बढ़िया होंगे। तो भाई फिलहाल हम मैं हूँ घर पे और हम जाने वाले हैं माता नमठ मेला घूमने के लिए। मैं काम पे था, चेतन भाई ने बोला कि भाई ऐसा कुछ सीन है कि चलते हैं मेले पर। मैंने बोला भाई मैं भी काम पर था, 4-5 दिन से काम कर रहा हूँ, तो चलते हैं कहीं घूमने, ब्लॉग बना लेते हैं, अपने पब्लिक को कुछ दिखाते हैं, माता जी के दर्शन भी हो जाएंगे और आपको ब्लॉग भी मिल जाएगा। तो फिलहाल 11:30 बज रहे हैं, मैं जाता हूँ फिलहाल नहाने, चेतन भाई भी गया है नहाने, तो बस नहा कर मिलता हूँ आपको और फिर निकलते हैं माता नमठ जल्दी से। से मेरी जान, मैंने ना लिया फिलहाल। तो कौन सा तीर मारा फिलहाल, कितनी देर लगी मुझे नाने में? देखिए एडिटिंग का कमाल है, बस मुझे नाने में आधा घंटा लगा, एडिटिंग में 5 मिनट लगे, तो मैंने ना लिया है फिलहाल। मैं अपने बालों को ड्राई करता हूँ, स्प्रे व्रे लगाते हैं और निकल जाते हैं जल्दी से। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और बैग भी हमने रेडी कर लिया है। ये बैग में क्या है ये आपको आगे ही पता चलेगा, मैं आगे बताता हूँ, चलते चलते बताता हूँ। तो भाई बहुत देरी हो चुकी है, 12:30 बज रहे हैं, 1 घंटा मुझे लग गया है तैयार होने में। रोटी वोटी खाई थोड़ी बहुत क्यों चलना है भाई, शायद से कितने किलोमीटर, ये मैं आगे बताता हूँ, आगे बात करता हूँ। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं निकल चुका हूँ, अभी मिलते हैं डायरेक्ट चेतन भाई को और निकलते हैं यहाँ से। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, ये रहे अपने चेतन भाई और इनकी ये चश्मा है। फिलहाल हम लोग हैं हमारे गाँव की रोड पर और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग ने 1.5 किलोमीटर काट लिया है, गांव से हम निकल चुके हैं, 1.5 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। और ये अपने स्टाइल में गाइस, ये कैसा लग रहा है मुझे बताना जरा, छपरी नहीं लगा छपरी? तो छपरी यूट्यूबर्स बहुत रोस्ट मार दिया तुम लोगों ने, तुम्हारे भाई गोवा जाके आ चुका है भाई। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा भाई, भाई ये छपरी गोवा जाके आ चुका है और इधर पर्स भी घुमा दिया है। बोलो शाबाश बेटा। और ये खुद को बहुत बड़ा बोलता है लेकिन उधर इसने पर्स घुमा दिया भाई। बोलो गोवा जाकर पर्स घुमा दिया अपना। फिर अपने भाई को बोलता है कि भाई पैसे भेज दे थोड़े से गूगल पे में, मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी खाने पीने के लिए। जलवा है जलवा हमारा, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये इसका जलवा है गाइस, वो व्लॉग भी जल्दी आने वाले हैं अपने चैनल पर। आएंगे ना? आएंगे आएंगे, वो व्लॉग जल्दी आने वाले हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके रख लो। गोवा ट्रिप इसकी जो पूरी ट्रिप है, ये भुज से निकला अहमदाबाद, अहमदाबाद से गोवा जो गया, वो पूरी ट्रिप के सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लो। और भाई हमें बहुत दिक्कत होने वाली है आज, क्योंकि 12:30 सॉरी कितना बजे ना गाइस, अभी फिलहाल 1 बज रहे हैं, तड़पती सड़क पर हम लोग चले जा रहे हैं पैदल। देख लीजिए कि मौसम कैसा है, एकदम सुहाना नहीं है मौसम, एकदम गार्डन गार्डन हो रहा है। और ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये नेत्रा से रामपुर की सड़क है और इस पर हम लोग फिलहाल जा रहे हैं। लगभग नेत्रा से माता नमठ 24 किलोमीटर होता है, तो 24 किलोमीटर हमको काटने में लगेंगे शायद 6 या 7 घंटे लगेंगे। धीरे धीरे जाना है भाई, थक जाएंगे नहीं तो। मैंने भाई अपने खेत पर काम किया हुआ है, कल भी काम किया था, आज भी 2 बार तक काम किया है और थके हुए हैं फिलहाल, और हमको जाना भी है, लेकिन देखते हैं जैसा भी होता है, सफर अच्छा होने वाला है। और गाइस मैं एक बात बताना चाहूँगा कि गाइस ये जो व्लॉग है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि हम दोनों मस्ती करते रहते हैं। आप हमारे पिछले व्लॉग भी देख लीजिए, उसमें भी हमारी मस्ती चलती रहती है। इसमें कुछ भी हम लोग अगर बोल देते हैं तो किसी को भी दिल पर नहीं लेना है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लेना है, ठीक है? और गाइस फिलहाल हम पानी पीने के लिए रुके हैं छाया में, यहाँ पर पेड़ों की छाया है तो पानी पी ले रहे हैं। ये अपने चेतन भाई पानी पीते हुए। भाई अभी तो 2 किलोमीटर काटे और पानी पी लिए, आगे क्या होगा तुम्हारा? हैं कितनी दूर तक चलना है? चेतन भाई ने अपने फ्रिज से ठंडा पानी ले आया, ये इसके लिए मैं थारा भाई प्रवीण गंडर इसको थैंक यू कहना चाहूंगा सभी सब्सक्राइबर्स के सामने। गाइस जब हम निकले थे तब मैंने अपने गांव से चश्मा लिए चेतन भाई की दुकान से, जो अपने नेत्रा वाले भाई बंधु जानते होंगे। बताना गाइस ये मुझे कितने की पड़ी होगी और कैसी लग रही है मेरे पे, जरा बता देना आप लोग। 80,000 की चश्मा है, 80,000 की, 80,000। नहीं 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 भाई, 80,000 के नहीं है, 80,000 के तो शूज है, देखिए ये रहे, ये 180,000 के, और ये चेतन भाई के भी 180,000 के हैं और मेरे 80,000 के सिर्फ शूज हैं।
और ये चश्मा जो है, सनग्लासेस ये जो है, गॉगल्स जो ये है, और क्या बोलते हैं, दूरबीन नहीं, दूरबीन नहीं जो भी बोलते हैं, चश्मा या गॉगल ये सनग्लासेस, ये मेरे पे कैसे लग रहे हैं जरा बताना गाइस। और ये कितने के होंगे, अंदाजा लगाइए आप कितने के होंगे। और फिलहाल हम पहुंचे हैं कतीरा फार्म हाउस के पास में, और जो मैंने आपको बोला था, ये भेड़िए को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। अभी तो भाई सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर काटे हैं, और हमको 20 या 21 किलोमीटर अभी काटना बाकी है। तो थारा भाई प्रवीण गंडर और थारा भाई भाई चेतन, इतने किलोमीटर कापेगा किसी ने सोची नहीं होगी। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं खीरसरा, हमने अंतर जो काटा है वो है 4.5 किलोमीटर। अभी हमको रवाबाद तक 5 किलोमीटर काटना है, लेकिन अभी 1 घंटे में हमने काटे हैं 4.5 किलोमीटर। 5 ही गिन लो क्योंकि अभी 20 मिनट बाकी है 2 बजने में। अभी बज रहे 1:45 हो रही है। और भाई फिलहाल हमको प्यास लगी है तो पानी पी लेते हैं। जो बॉटल हमने पानी लेकर आए थे वो हमने पी चुका है, ठंडा ठंडा पानी। अब वो दिख रहा है हमको नलका, अभी यहीं से पानी भर लेते हैं भाई। चलो गाइस पहले पानी पी लेते हैं फिर निकलते हैं। A few moments later. गाइस इस बंदे को देखिए अब, अरे ना दे चश्मा ले जरग नहीं है सुनो गाइस ये देखिए ये चश्मा घाल किया है भाई ने, इस भाई ने नहीं गाइस अभी जो हुआ वो एकदम दर्दनाक घटना है दर्दनाक घटना हुई अभी भाई के साथ। इस भाई ने मेरे को चश्मा पहने नहीं दिया। हम लोग नेत्रा से निकले तो इस भाई ने बोला तेरा चश्मा तू खुद को लेना था ना भाई, तो मैंने दुकान से अपना चश्मा ले लिया। इस भाई ने मेरे को पहनने ही नहीं दिया तो मैंने इसको श्राप दे दिया कि भाई तेरा चश्मा टूटेगा। नहीं गाइस श्राप व्राप नहीं दिया था, लेकिन ये जो है इसी की गलती से टूटा है। कावतरों काटे हुए कावतरों नहीं किया था गाइस मैंने, ये जो है इसी की गलती की वजह से टूटा। गाइस मैं पानी भरने गया तो ये भाई है पीछे अपने पॉकेट में चश्मा डालकर बैठ गया। कितने तेज हो गए, एकदम ठंडा पड़ चुका है भाई अभी। गाइस अभी जो है हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है स्टेप काउंटर, तो इसमें पता चला कि हम दोनों के पैर जो है वो एवरेज देते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हम जा रहे हैं। तो पता नहीं कितने घंटे लगने वाले हैं हमको। सो गाइस फाइनली अभी रवा पर जो है वो सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी रह गई है। हमने 6 किलोमीटर तो बस यूं ही दूरी तय कर ली, यूं ही एक फटके में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। लेकिन अभी जो भाई थोड़ी दिक्कत आ रही है चलने में, थारा भाई ये पग नहीं है भाई इस भाई के तो हथौड़े हैं, लेकिन हमने भाई एक गलती कर दी जो हमने शूज पहन लिए। अभी जो मैंने आपको घर पर बताया था कि मैंने अपने बैग में क्या लिया है वो अभी बताता हूँ। हमने अपने बैग में जो है स्लीपर लिए, मेरी चप्पल बोलते हैं स्लीपर नहीं, चप्पल को स्लीपर ही बोलते हैं। स्लीपर लिए और चप्पल लिए जो भी बोलो, चप्पल लिए मैंने क्योंकि आगे मेरे पैर जो है दुखने लगेंगे भाई बहुत ज्यादा, तो मैं अपने जो है शूज निकल कर बैग में डाल दूंगा। और गाइस मैंने लिया है मिठाई का बॉक्स इसके लिए भाई इसने बॉटल लिया पानी का और गांठिया लिया है। बोलो गुजराती में गांठिया बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। गांठिया ही बोलते हैं, तो वो गांठिया लिया है इस भाई ने। मैंने कहा भाई हम लोग पैदल जाने वाले हैं, पेट भरा होगा तो गांठिया है वो इसलिए खाएगा जोगिंदर, शक्ति आएगी। थारा भाई जोगिंदर ये मुझे ये 4 दिन के गांठे खिलाएगा मुझे भाई, बोलो 4 दिन के पुराने गांठे मैं खाऊंगा। आपको ऐसा लगता हूँ थारा भाई जोगिंदर पुरानी चीजें नहीं खाता, लेकिन आगे भूख लगेगी तो देखा जाएगा। वो भी पीछे और भी भाई लोग आ रहे हैं जो माता ना मर जा रहे हैं वो पीछे ही रह गए, हमने सभी को पीछे छोड़ दिया। और अब ऐसे ऐसे 4 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हैं, प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं। लेकिन जो भी है भाई हमने एक बड़ी गलती कर दी कि हमने जींस और शूज जो पहन लिए उससे हमको तकलीफ हो रही है। गाइस ये जो अभी मैंने अंकल आपको दिखाए ये अभी हमको मिले, और इन्होंने बोला कि भाई थक चुके हैं तो आगे रावपुर के पास में ही हमारा कैंप आने वाला है, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रसाद लेना, जरूर आराम करना। और उन्होंने भाई बहुत कुछ बोला कि भाई नदियों और नालों का जो आगे पानी आता है वो मत पीना भाई, बीमार हो जाओगे। हेल्प की अंकल ने, गाइस ये अंकल नहीं थे ये भगवान थे, भगवान नहीं भाई ये सेवा कर रहे हैं माता जी के नाम पर जो है, बहुत सारी सेवा कर रहे हैं। बस 7 किलोमीटर का अंतर तय किया है भाई, अभी तो बहुत बाकी है। 24 किलोमीटर में से 7 गए तो कितने बचे, आप कैलकुलेटर करके कमेंट कर देना हमको। 14
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं नागवेरी और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है रवापर। तो रवापर पहुँच कर अभी यार हम थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं और फिर जाते हैं रवापुर। और गाइस यहाँ पर हमारा बोपट हो गया, बॉटल जो है मेरे हाथ से गिर गया और टूट चुका है और पानी यहाँ से लीक हो रहा है, देखिए अब। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं, बस 5 ही मिनट रेस्ट किया, पानी वानी पिया, पानी भर लिया है और ये पानी जो है बह रहा है, देखना आप। पानी का बॉटल जो है कुर्सी पर रखा हुआ था, इस भाई ने जो है बैग को ऐसे थोड़ा सा खिसकाया और जो है टूट गया बॉटल, इसी का ही बॉटल है, इसी ने तोड़ दिया भाई, मेरा क्या गलती इसमें। सो गाइस यहीं से रवा पर दिख रहा है और बस जाते हैं हम फटाफट पहुँचते हैं रवा पर, थोड़ी बहुत चाय वाय पियेंगे वहाँ पर, चाय पियेंगे ना, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, चाय नाश्ता करके फिर से निकल जाएंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग रवापुर से निकल चुके हैं, रवा पर बैठे थे, थोड़ी बहुत चाय वाय पी, थोड़ा बहुत रेस्ट किया और फिर से निकल चुके हैं। अभी हमको काटना है सिर्फ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की हमारी जो एवरेज है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, तो हमको 2 घंटे लगेंगे रवा पर सॉरी माता नमठ पहुँचने में। और या भाई यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसके हैप्पी रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, सारी देरी हम मुझे नहीं आता है गाइस। और गाइस ये जो वीडियो है वो शायद से लंबा हो जाएगा, तो मैं जो मेले वाला व्लॉग है वो दूसरा अपलोड करूंगा, इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगा। तो भाई वीडियो में बने रहना, बस हमारे चैनल पर बने रहना गाइस। और गाइस यहाँ पर जो है एक जो है नाका बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं, कुछ नाके की स्वागतम, स्वागत का नाका जो है लगा दिया है, नाका बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं गाइस हम कशी मारू हमको पता नहीं चलता इतना सब। और यहाँ पर एक फर्स्ट कैंप भी आ चुका है, कैंप यानी कि कैंप मतलब जो भक्त होते हैं माता जी के, वो जो पैदल जाने वाले यात्री होते हैं जो यात्रालुओं को वो मतलब नाश्ता कराते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, हमारे जैसे यहाँ जो मुंबई और महाराष्ट्र से आते हैं गाइस। हम लोग जो है वो सिर्फ 24 किलोमीटर से आए हैं, लेकिन मुंबई से साइकिल लेकर भी कुछ लोग आते हैं। पर गाइस आप सोचो मुंबई से साइकिल लेकर यहाँ पर आते हैं तो कितना मतलब उनको दिल में विश्वास होगा। जानी ने रो रो के समुंदर बदी है, क्या तुम भी रो रो के नदियां भरते हो, एक बात बताओ तो यादों में मरते हो, क्या तुम भी हमसे अब भी मोहब्बत करते हो, इतना न करो तुम यार रोज रहे। गाइस यहाँ पर छेला जा रहा है, छेला है पानी नहीं है यहाँ पर गाइस, नदी जा रही है एक छोटी सी ब्यूटीफुल नदी है जो अभी पानी नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों पानी है बट दिखाई नहीं दे रहा है, बारिश का मौसम जो है फिलहाल ही खत्म हुआ है और पानी नहीं जा रहा है, ये मुझे थोड़ा चौंकाने वाली बात लग रही है, कुछ तो गड़बड़ाया दया, गड़बड़ दया पड़ेगी। वैसे तुम्हें क्या लगता है दया, कुछ तो गड़बड़ होगी ना, कुछ तो गड़बड़ होगी ना, अभी जीते हैं गाइस, ये अभी जीते और मैं दया हूँ अभी जीत, तुम्हें क्या लगता है कुछ तो गड़बड़ होगी ना, प्रतिमन कहाँ है प्रतिमन। गाइस मैंने जो है अपनी बाड़ी पर जो मूंगफली जो बोई थी, मतलब मूंगफली की खेती करते हैं ना हम लोग, तो हमने मूंगफली जो अभी निकाली है जमीन से, तो उसमें निकालने में हमको ये लेफ्ट पड़ चुकी है, लेफ्ट बोलते हैं लेफ्ट को गाइस हिंदी में क्या बोलते हैं अभी ये बताओ गाइस, मैं इसको कह रहा था कि तुम बोल रहे हो लेफ्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, गाइस इसे लेफ्ट बोलते हैं हम हिंदी में, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना, ये जो लेफ्ट है मैंने पुत्री उखड़ रहा था तो मुझे लेफ्ट हो चुकी है, इसमें इंग्लिश में फफली बोलते हैं। गाइस आपको मैं लेफ्ट दिखाता हूँ अच्छे से, कैसी लेफ्ट है देखना गाइस, देखिए ये रही लेफ्ट, मुझे पुतरी उखड़ते मुझे लेफ्ट पड़ चुकी है गाइस, आप देख सकते हैं। आप कहीं से भी आते हो, आपको अगर आना है और आपको एक राहत भरी जो है पैदल यात्रा करनी है आपको, तो आपको पहले नॉर्थ या फिर दूसरे नॉर्थ आ जाना है, नॉर्थ ही बोलते हैं ना इसकी चश्मा देखो गाइस कितना फटरा लग रहा है ये, नहीं जलने वालों की दुआ जलने वालों की दुआ गाइस, इसको मैं बोल रहा था कि दोनों जो है गूगल से अपने चश्मा के जो है दोनों कांच ये फोड़ देना फिर अच्छा लगेगा एकदम बढ़िया। सो गाइस अभी माता ना मठ जो यहाँ पर बॉर्ड लगा हुआ है, माता ना मठ है सिर्फ 8 किलोमीटर
अभी हमको लगेंगे सिर्फ दो घंटे में हम पहुंच जाएंगे माता नंबर और फिर मिले का ब्लॉग बनेगा भाई, एकदम मजा आने वाला है। लाइक कर दो इस ब्लॉग को, जब आटे लाइक कर दो भाई। सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। सो गाइस, अभी हम फिलहाल थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लेते हैं, यहाँ पर एक हमें दुकान दिख रही है तो हम नाश्ता पानी करके फिर निकलते हैं आगे। गाइस, अभी जो है माता नंबर 6 किलोमीटर रह गया है बाकी, और हम बैठे थे नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता करने के लिए यहाँ पर बैठे थे। ये जो क्या बोलते हैं दुकान है, और ये जो अंकल है वो पानी भरने के लिए चले गए, और ये जो दुकान है हमारे हवाले छोड़ गए, तो हम कुछ ले लेंगे तो इनको हमारे ऊपर कितना विश्वास है, बोलिए। ले लिया है? नहीं गाइस, ये हमने पैसों से लिया है। ये 5 रुपए वाला वेफर यहाँ पर मिलता है 6 रुपए में, 6 रुपए में 5 वाला वेफर मिलता है 6 रुपए में, उसमें आते हैं 6 वेफर। नहीं गाइस, 6 रुपए वाले वेफर में सिर्फ 6 वेफर आते हैं, बोलो। वैसे मस्त है। तो हम नाश्ता पानी करके फिर निकल जाते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं नाश्ता पानी करके। भाई 6 किलोमीटर बाकी है, 6 किलोमीटर काटना है भाई हमको। जल्द से जल्द पहुंचते हैं माता नंबर और मेला फिरते हैं। मेला मेले की मौज अते भाई, मैं मौज करी यार, थके रहे हैं थोड़ा, पर 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर कसम बोला गाइस, 6 किलोमीटर रह गया। 6 किलोमीटर तो मैं अपने खेत पे चला जाता हूँ, 6 किलोमीटर मेरा खेत दूर है, इतने दूर तो मैं अपने खेत पे चला जाता हूँ। बस ये रहा, चुटकी बजाते मैं पहुंच जाऊंगा अभी, देखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, बोल कि रात को हम कहाँ रुकेंगे? रात को भाई मेले में घूमेंगे ना पूरी रात। हाँ, नहीं घूमेंगे पूरी रात, क्या करेंगे यार? हाँ तो देखेंगे भाई, देखो मेला घूमेंगे हम, 10-12 बजे तक मेला घूमेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या हाल चाल, टाइम कैसा रहता है। बहुत थक गए होंगे तो गाँव के रिक्शे जो है, छोटे रिक्शे जाते रहते हैं, चालू ही होंगे, तो बस उनमें चले जाएंगे हम घर पे वापिस। ठीक है ना, देखते हैं वहाँ घर पर कैसा मजा आता है, अगर मजा नहीं आएगा ना भाई तो वापस चले जाएंगे। गाइस, एक गाड़ी जो है अभी मेरे कसाबस से निकली है, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, मैं तो ऐसे सामने ही देख रहा था यार। गाइस, ये मेरा ट्राइपॉड है ना जो लूज हो चुका है यार, इसलिए वो बार बार गिर जाता है, तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत होती है व्लॉग बनाने में। अभी नया ट्राइपॉड लेना पड़ेगा मेरे को लगता है, मेले में अगर ट्राइपॉड मिलता होगा बाई चांस तो मैं ले लूंगा, लेकिन देखना पड़ेगा। तो गाइस, फाइनली हमने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। हम लोग निकले थे सुबह 12:30 या 1:15 बजे, और अभी बज रहे हैं फिलहाल 5:15 हो रही है फिलहाल। सॉरी गाइस, ये नॉइस बहुत आ रहा है क्योंकि ट्रैफिक बहुत है यहाँ पर। हमने 5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय की है, और यहाँ पर फिलहाल 4 किलोमीटर रह गया है बाकी, 24 किलोमीटर है नेत्रा से माता नंबर। तो फिलहाल इस वीडियो को हम एंड करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। मेले का ब्लॉग आपको अगले ब्लॉग मेले का कल मिल जाएगा आपको, मेले का ब्लॉग। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको सीधा माता नंबर कल दूसरे ब्लॉग में। तो बने रहना चैनल के साथ, और लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, बन के सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, जल्दी से शेयर कीजिए और दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।